हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हाय माय नेम इज़ गायत्री एंड आई पोस्ट वीडियोस। और मैं वही वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो कि आई फाइंड वर्थ पोस्टिंग। सो आज गाइस हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पुडिंग। और आप देख सकते हो मेरे सामने सारा सामान रखा हुआ, मैंने सारी चीज़ें एक साथ रख ली है मैंगो पुडिंग के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मैंगो पुडिंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी मैंगो की, मिल्क की। मुझे नॉर्मल मिल्क नहीं मिल रही थी तो मैंने टोन मिल्क ली है, बट आप नॉर्मल भी ले सकते हो। और थोड़े से कॉर्नफ्लावर की, और नींबू की, शुगर की, और एक दो पिंच ऑफ सॉल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट वो मैं यहाँ पे रखी नहीं हूँ, बट है मेरे पास। तो गाइस, अब हम ये सारे मैंगो जार में डालेंगे, इसके साथ शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस, 1/4 अमाउंट ऑफ मैंगो हमें शुगर डालना है इसमें, फिर इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, उसके थोड़े देर बाद फिर इसमें मिल्क भी ऐड करना है। तो गाइस, आप चाहो तो डायरेक्ट डाल सकते हो अगर आपका मेज़रमेंट सही है तो, बट मेरा सही नहीं है तो मैं ये कटोरी के थ्रू कर रही हूँ। और शुगर इसका 1/4 डाला था और मिल्क हम इसका डबल डालेंगे, यानी कि 2 कटोरी डालेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो गाइस, ग्राइंड होने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। अब इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे और उसके बाद तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सेटल ना हो जाए, और इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो गाइस, इसमें 2 पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पिंच, ताकि थोड़ा इसमें फ्लेवर आ सके। तो गाइस, इसको हम पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद फिर गैस पे चढ़ाएंगे और मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अब इसको थोड़ी देर ऐसे स्टर करेंगे, मीडियम फ्लेम पे करना है जो भी करना है। और गाइस, जितना हम मिल्क लेंगे उसका 1/4 हमें कॉर्नफ्लोर लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। गाइस, अब इसमें हम वो मिल्क मिलाएंगे जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला था, और हमेशा मीडियम फ्लेम में ही ये चीज़ करनी है। और इसको घुमाते रहेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो। तो अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसमें 1/2 नींबू कट करके डालेंगे। ये एक अलग से टैंगी टेस्ट डालने के लिए है। क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपने 1 आम लिया है तो आप 1/2 नींबू डालोगे, मैंने क्योंकि 2 आम लिया है इसलिए मैं 1 फुल लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। गाइस, हमने इसमें प्रॉपर बटर लगाया है ताकि इसमें ये चिपके नहीं और अच्छे से कंटेनर का। तो गाइस, ये अब हम इस कंटेनर में डालेंगे और उसके बाद पहले रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद फ्रिज में डालेंगे। गाइस, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ आर पुडिंग। ऑल्दो ये देख के समझ आ रहा होगा ये बहुत आइडियल नहीं बना है, बट स्टिल मैनेजेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।